अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर मिस फाई। आज हम क्लास 5 की साइंस की चैप्टर नंबर 1 जानदारों की जमात बंदी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि जमीन पे 8.7 मिलियन जानदार मौजूद हैं, जिनमें से 75% जमीन पर और 25% समंदर में है। 90% जानदार समंदर में ऐसे भी हैं जो आइडेंटिफाई नहीं हो सकते। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 1 जानदारों की जमातबंदी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, टॉपिक नंबर 2 जमातबंदी का 5 किंगडम सिस्टम, द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन या जमातबंदी किसे कहते हैं? चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स ओपन करें। जमातबंदी का मतलब मुख्तलिफ अशिया को उनकी खसूसियात में मुमासलत और गैर मुमासलत की बिना पर ग्रोहों में तकसीम करना है। नीचे दी गई तस्वीर शक्ल 1.1 में अशिया के 3 ग्रोह अलिफ, बे और जीम दिखाए गए हैं। मिसाल के तौर पर हर ग्रोह में अशिया मुश्तरक खसूसियात की बुनियाद पर इकट्ठी रखी गई है। ग्रोह अलिफ की तमाम अशिया धातों की बनी हुई हैं, ग्रोह बे की तमाम अशिया किताबें हैं और ग्रोह जीम में फल शामिल हैं। अब हम एक सिमुलेशन से मजीद क्लासिफिकेशन को समझते हैं। बच्चों, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के टॉयज नजर आ रहे होंगे। आइए इनको हम ग्रुप की शक्ल में इकट्ठा करते हैं। पहले ग्रुप में हम एक जैसे वुडन टॉयज ड्रैग कर रहे हैं। नेक्स्ट ग्रुप में हम एक जैसे प्लास्टिक टॉयज ड्रैग करके रख रहे हैं और लास्ट ग्रुप में हम एक जैसे स्टफ टॉयज ड्रैग करके रख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप क्लासिफिकेशन को समझ गए होंगे। पॉइंट टू पॉन्डर, हम जमातबंदी क्यों करते हैं? आप सब इस पे सोचें। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका आंसर देंगे। वेलकम बैक बच्चों, हमने पूछा था कि हम जमातबंदी क्यों करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, एक जैसी चीजों को ग्रुप में डालने के लिए। आइए टेक्स्ट बुक के पहले टॉपिक का मुताला करते हैं। 1.1 जानदारों की जमातबंदी, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। इस दुनिया में करोड़ों की तादाद में जानदार पाए जाते हैं। साइंसदानों ने उन्हें मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम कर दिया है। जानदारों को उनकी खसूसियात में मुमासलत और गैर मुमासलत की बिना पर मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम करने का अमल जानदारों की जमातबंदी कहलाता है। जानदारों की जमातबंदी उनका मुताला आसान बनाने के लिए बहुत अहम है। जमातबंदी के अमल के दौरान साइंसदान किसी गैर मानूस पौधे या जानवर की खसूसियात का मुताला करके ये मालूम कर सकते हैं कि इसका ताल्लुक किस ग्रोह से है। वो जानदार की पहचान के लिए उसका नाम भी तजवीज करते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग को समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। जिंदा जानदारों की क्लासिफिकेशन। एक वर्म, एक बिल्ली, एक मछली, एक रीच, एक शेर, एक टाइगर, एक हिरन और एक दरख्त में क्या चीज कॉमन है? ये सब लिविंग थिंग्स हैं। दुनिया में बहुत सी लिविंग थिंग्स के साथ साइंसदानों ने लाइफ को ग्रुप्स में मुनज्जम करने का तरीका दरियाफ्त किया है और इन्हें नाम दिए हैं जो दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। लिहाजा अगर आप खुद से ढूंढना शुरू करें तो चाइना में जू में आप लाइंस देखते हैं, वहाँ कोई इंसान भी आपकी जबान में बात नहीं करता। आप लाइंस को देखकर क्या पूछेंगे? साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग लाइंस के साइंसी नाम को डिटरमिन करने में आपकी मदद करती है। जनरल से स्पेसिफिक यानी आम से खास की तरफ क्लासिफिकेशन के लेवल्स, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज हैं। लाइन किंगडम एनिमेलिया से ताल्लुक रखता है, एक ग्रुप जिसमें तमाम जानवर शामिल होते हैं। लिहाजा हमारे जानदारों के ग्रुप में दरख्त इस ग्रुपिंग के लिहाज से ठीक नहीं है। फाइलम जिसमें लाइन आता है उसे कॉर्डेट कहते हैं। ये वो ग्रुप है जिसमें हर चीज बैकबोन के साथ शामिल होती है।
वर्म हमारे ग्रुप से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसमें बैकबोन नहीं होती। क्लास क्लासिफिकेशन का अगला लेवल का नाम है। अगली क्लास मैमिलिया कहलाती है। साइंसदान लेवल्स के लिए ग्रीक वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हर जगह समझ लिए जाते हैं। मैमिलिया का मतलब मैमल है या जानवर जिनके बाल और फर होती हैं। मछली इस ग्रुप से निकाल दी जाती है क्योंकि ये मैमल नहीं है। ऑर्डर अगले लेवल का नाम है और ऑर्डर में लाइन जिससे ताल्लुक रखता है उसे कार्निवोरा कहते हैं, जिसका मतलब है गोश्तखोर। हिरन इस ऑर्डर का मेंबर नहीं है और उसे भी निकाल दिया जाता है। आगे हमारे पास फैमिली है। लाइन फैलिडिया फैमिली में आता है। इस फैमिली के मेंबर्स के पंजे खुलने वाले होते हैं, लिहाजा रीच इसमें से निकाल दिया जाता है। फिर हमारे पास एक लेवल है जिसे जीनस कहते हैं। लाइन जीनस पेंथरा में आता है, जिसका मतलब है रोरिंग कैट। पालतू बिल्ली नहीं गरजती, लिहाजा इसे भी इस ग्रुप से निकाल दिया जाता है। फाइनली जो हमारे पास लेवल है उसे स्पीशीज कहते हैं। एक ही जैसी स्पीशीज के मेंबर्स नस्ल कशी कर सकते हैं और ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सकते हैं। लाइन स्पीशीज लियो में आता है, लिहाजा टाइगर को इस ग्रुप से निकाल दिया जाता है। लिहाजा लाइन रीढ़ की हड्डी वाला जानवर है जिसके बाल और फर होती है। ये गोश्त खोर होता है, इसके पंजे भी खुलने वाले होते हैं, ये गरज सकता है और लियो के नाम से जाना जाता है। लाइन का साइंसी नाम पेंथरा लियो है। साइंसी नाम ऑर्गेनिजम्स नहीं है, जीनस इसकी स्पीशीज को फॉलो करती है, लिहाजा लाइन पेंथरा लियो है। लिहाजा अगर आप खुद से ही लाइन्स की तरह शुरू करें और चाइना में जू में जाएं, वहां कोई भी आपकी जुबान में बात नहीं कर सकता। आपको इस बात की जरूरत है कि आप पेंथरा लियो को देखने के बारे में बात करें तो आप यकीनन लाइन्स को देख सकते हैं। ये जिंदा जानदारों की क्लासिफिकेशन है। पॉइंट टू पॉन्डर, बच्चों हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी चीज जानदार है या नहीं? इसका जवाब हम अगले पार्ट में जानने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए तमाम जानदारों के अकसाम इंतहाई छोटी इकाइयों पर मुश्तमिल होते हैं जो खुलिये यानी सेल्स कहलाते हैं। ऐसे जानदार जिनका जिस्म एक खुलिये पर मुश्तमिल होता है या खुलवी या यूनिसेलुलर जानदार कहलाते हैं। ऐसे जानदार जिनके अकसाम एक से ज्यादा खुलियों पर मुश्तमिल होते हैं कसीर खुलवी या मल्टी सेलुलर जानदार कहलाते हैं।